और आइए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं। और जगविंदर पटियाल से जरा समझते हैं हम कि आखिरकार जगविंदर सवाल ये बड़ा हो जाता है, ये जगविंदर पटियाल हमारे साथ आ गए। जगविंदर सवाल ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि पंजाब को ये जिस तरीके की हिंसा की आग में झोंका जा रहा है, इसके पीछे की सियासी साजिश आखिर है क्या? देखिए, सियासी साजिश ये है कि इसमें एसएफजे लगातार कोशिश करता है कि पंजाब के अमन को खराब किया जाए, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो पहली बार उसको ये थोड़ी सी कामयाबी मिली है। और उसने जिस तरह का आह्वान किया था, उस आह्वान के बाद पंजाब में हिंसा हुई है, लेकिन पंजाब अच्छी तरह से ये समझता है कि इस तरह की हिंसा ठीक नहीं है। और आतंकवाद के दौर में जो कुछ पंजाब ने देखा है, तो मुझे लगता है कि आज दोपहर के बाद जो कुछ उससे पहले हुआ उसके बाद नहीं होगा। दूसरा, सरकार एक्शन में आई है। इस वक्त डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ इंटेलिजेंस चीफ के साथ भी भगवंत मान की मीटिंग चल रही है। और चीफ मिनिस्टर, हो सकता है कि जिस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट पहले से थे कि लोग इकट्ठे हो सकते हैं, एसएफजे की कॉल पर कोई ना कोई शरारत हो सकती है, ये इनपुट इंटेलिजेंस का था। और सब जिलों में इस तरह के लोगों पर पहले नजर रखी जा रही थी। पटियाला, अब सवाल ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या इस हाई लेवल मीटिंग के बाद अब ये तय किया जाएगा सरकार की तरफ से कि चूक कहां पर हुई, जिम्मेदारी जवाबदेही क्या वो तय हो पाएगी? वही मैं बताने जा रहा था आपको कि पटियाला के अफसरों के ऊपर इसकी गाज गिर सकती है। और जो चीफ मिनिस्टर की मीटिंग है, उसके बाद यह तय हो जाएगा कि आखिरकार बाकी पंजाब में अमन रहा तो पटियाला में ऐसा क्यों हुआ, जबकि इंटेलिजेंस इनपुट सभी जिलों को बराबर का भेजा गया था। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने की ही बात के लिए मीटिंग रखी गई है कि आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार है कौन। और पटियाला में कर्फ्यू लगाने का आदेश दे दिया गया है जगविंदर पटियाल, फिलहाल हालात किस तरीके के बने हुए हैं? हालात फिलहाल सामान्य है। वहां पर जो एक छोटा सा धरना चल रहा था फुआरा चौक के नजदीक, उसे भी चंद मिनट पहले खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। पीस कमेटी बना दी गई है। पीस कमेटी जो है वो डीसी के निर्देशन में और डीसी की हाजिरी में कल मीटिंग करेगी और दोनों पक्षों के बीच सुलह की कोशिश चल रही है। आज शाम 7 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान कोई भी वारदात न हो, इसके लिए फ्लैग मार्च और पुलिस की तैनाती रात भर रहेगी। ABP News, आपको रखे आगे।